ट्रैक्टरां दे स्टंट करते हुए कुछ नौजवान जिहड़े आ तुसीं देखिया होणा वीडियो दे विच इक नौजवान की मौत हो जाती है ट्रैक्टरां दा स्टंट करते हुए। तो मुख्यमंत्री ने तुरंत जिहड़ा बयान जारी किया कि यह स्टंट जिहड़े आ उन्हां ते बैन लाता, किस तरह दुर्घटना हो जाती है, एक मापिआं दा पुत चला गया, बड़ा दुख जाहिर किया। बहुत वधिया गल आ, इस तरह के स्टंटां ते रोक लगनी चाहीदी है। पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उस बच्चे नूं, उस बच्चे दे परिवार नूं नज़रअंदाज कर दिता, जिस बच्चे दे उत्ते एक धार्मिक स्थान विच चोरी करदे पिंड दे कुछ लोगों के वल्लों इल्जाम लगाए गए। इल्जाम लगाउण तों बाद उस बच्चे की बेरहमी नाल कुटमार की गई, उस बच्चे दे उत्ते अणमनुखी जिहड़ा अत्याचार किया गया, उहदे दोने हथ बन्न दिते गए, लत्तां तोड़ दित्तियां गईयां, उस बच्चे दीयां बाहां तोड़ दित्तियां गईयां। पंजाब दे इक जिहड़ी पिंड तों इह खबर आ मोगे दे विच, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जान तां उस गरीब दलित बच्चे की भी गई सी, तुहाडे कोल इक शब्द तक नहीं बोलिया गया, तुसीं उन्हां मुजरिमां दे खिलाफ कुछ नहीं बोले जिन्हां ने एक बच्चे नूं बन्न के बेरहमी नाल कुट्टिया। की गल बई, उस बच्चे की जान का कोई मुल नहीं सी? उस बच्चे उत्ते किसी धार्मिक स्थान के उत्ते चोरी करन दे इल्जाम सी। देखो, कानून भारत का कानून है, पहला इनवैसटीगेशन होनी सी कि जिहड़े उन्हां लोकां ने उस बच्चे ते इल्जाम लगाए आ कि वह इल्जाम सच्चे हन। अगर कानून नूं लग्या कि हाँ बई इस बच्चे ने इस धार्मिक स्थान में चोरी की है, तो भारतीय कानून भावें उस बंदे नूं सजाए मौत दे दे, कोई इतराज नहीं, क्योंकि जुर्म करन वाले नूं बख्शना नहीं चाहिए। पर उस भीड़ नूं, मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, उस भीड़ नूं किने अधिकार दिता कि कानून नूं जिहड़ा अपने हत्थां विच लै के उस बच्चे की कोई सुनवाई तक नहीं की गई? मोगे जिले के उस बच्चे के उत्ते धार्मिक स्थान के उत्ते चोरी करन दे इल्जाम लगा के उसनू कुट कुट के मार दिता, तो तुहाडे कोलों एक शब्द तक नहीं निकलिया? उस बच्चे उत्ते किसी धार्मिक स्थान के उत्ते चोरी करन दे इल्जाम सी। देखो, कानून भारत का कानून है, पहला इनवैसटीगेशन होनी सी कि जिहड़े उन्हां लोकां ने उस बच्चे ते इल्जाम लगाए आ कि वह इल्जाम सच्चे हन। अगर कानून नूं लग्या कि हाँ बई इस बच्चे ने इस धार्मिक स्थान में चोरी की है, तो भारतीय कानून भावें उस बंदे नूं सजाए मौत दे दे, कोई इतराज नहीं, क्योंकि जुर्म करन वाले नूं बख्शना नहीं चाहिए। पर उस भीड़ नूं, मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, उस भीड़ नूं किने अधिकार दिता कि कानून नूं जिहड़ा अपने हत्थां विच लै के उस बच्चे की कोई सुनवाई तक नहीं की गई? मोगे जिले के उस बच्चे के उत्ते धार्मिक स्थान के उत्ते चोरी करन दे इल्जाम लगा के उसनू कुट कुट के मार दिता, तो तुहाडे कोलों एक शब्द तक नहीं निकलिया? ट्रैक्टरां दे स्टंट ते तुसीं रोक लगाई आ, बहुत वधिया गल आ, किसी माँ का पुत जिहड़ा पिछले दिन स्टंट करता होया चलिया गया, मौत हो जाती उहदी, पर एक दलित गरीब माँ का बच्चा भी भीड़ ने धार्मिक स्थान ते चोरी करन दे इल्जाम जिहड़े लगा के बेअदबी दे बहाने ला के उस बच्चे नूं कुट कुट के मार दिता, उहदियां बाहां बन्नियां, उहदियां लत्तां बन्नियां। दस्या जा रहा वीडियो विच कुछ लोगों वल्लों, उहदे परिवार वल्लों, कि उहदियां दोने किट्टे तोड़ दित्ते गए भीड़ वल्लों, उहदियां बाहां तोड़ दित्तियां गईयां, भीड़ नूं फिर भी तरस नहीं आया। और इत्थे ही बस रही मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, उस भीड़ दे वल्लों उन्होंने परिवार को भी डराया धमकाया गया और कहा कि अगर तुसीं इस बच्चे दे लई इंसाफ की गल की, तो यह जिहड़ा मसला निहंग सिंघां दा आ, फिर वह आ के तुहानू भी तंग परेशान करनगे। जबकि निहंग सिंघां दा जिहड़ा मैं बयान सुनिया, साडे बहुत सत्कारयोग आ, उन्होंने कहा कि यह बेअदबी का मामला नहीं सी, एक चोरी का मामला सी। देखो, चोर नूं सख्त सज़ा मिलनी चाहीदी है, चाहे वह फिर बच्चा होवे, चाहे कोई वड्डा होवे, कानून मुताबक। पर इन्हां भीड़ वालियां नूं मुख्यमंत्री साहब किने दिता अधिकार कि तुसीं किसी बच्चे नूं जिहड़ा जानू मार दिओ? मुख्यमंत्री साहब का बयान आया पिछले दिन, कहिंदे कि ट्रैक्टरां दे स्टंट दे उत्ते रोक ला दिओ कि इहदे नाल किसी माँ दा इक पुत मर गया। ओ जिहड़ी आ भीड़ धर्म का सहारा लैके धार्मिक गुंडागर्दी करती है मुख्यमंत्री साहब,
तेरे राज विच एक दलित गरीब बच्चे दे उत्ते चोरी का इल्जाम लगा के भीड़ वल्लों कुट कुट के मार दिता गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेरे कोल दो शब्द उस बच्चे दे परिवार दे लई जां उस नूं इंसाफ दिवाउण लई नहीं निकले, की यह जातिवाद नहीं? कि वह दलित भाईचारे नाल संबंध रखता सी वह बच्चा, कि इस करके तुसीं उन्हां दी कोई गल नहीं कीती? मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, ट्रैक्टरां दे स्टंट करते हुए एक रजवाड़े दी मौत हो जाती है, बड़ा दुख है इस गल का, तुसीं उह स्टंट दे उत्ते रोक ला दित्ती कि नहीं बई इहदे नाल किसी बच्चे की मौत हो सकती है, किसी माँ का पुत जिहड़ा आ उह मर सकता है, स्टंट ते रोक ला दित्ती, वधिया गल आ। पर पिछले दिनी मोगे विच एक गरीब दलित परिवार के बच्चे उत्ते जिहड़ा धार्मिक गुंडियां वल्लों धार्मिक स्थान दे विच चोरी करन दा इल्जाम लगा के जिहड़ा कुट कुट के मारिया गया, उहदे बारे तेरे कोल दो शब्द नहीं निकले? वह भी तो एक माँ का पुत गया। कि पंजाब के दलित गरीब मजदूर उन्हां दी जान का कोई मुल नहीं? मुख्यमंत्री साहब, मैं तो एक बार फिर स्पष्ट कर देवां, उस बच्चे ने चोरी की सी जां नहीं की सी, ए हले जांच का विशा सी। पंजाब की पुलिस इस चीज़ की जांच पड़ताल कर सकती सी। उस भीड़ नूं चाहिदा सी कि उस बच्चे नूं पुलिस दे हवाले कर दे, फिर पुलिस जिहड़ी आ छानबीन करदी, इनवैसटीगेशन करदी, केस चलदा, अदालत विच अगर वह बच्चा दोषी पाया जांदा, भावें तुसीं उहनूं फांसी ते लटका दिंदे, सानूं कोई इतराज़ नहीं सी। पर उस भीड़ वल्लों उस गरीब बच्चे नूं कुट कुट के मार दिता, क्योंकि भीड़ नूं पता सी इत्थे भीड़ भी जिहड़ी है बंदे की जाति देख के जिहड़ा आ उहनूं हथ पाउंदी आ। अगर तो उहदी जाति जिद्दां हुण उहनां दे हिसाब दी होवे तो उन्होंने माड़ा मोटा धक्के धुक्के मार के छड़ देंदे आ, अगर कोई दलित गरीब फस गया तो उन्होंने तो फिर जानू भी मार देंदे आ। ये बहुत गलत जिहड़ा होया आ साथियो। पिछले दिनी मोगे दे विच एक दलित जिहड़ा बच्चा उन्हूं धार्मिक गुंडियां वल्लों कुट कुट के मार दिता गया, कहिंदे भी किसी धार्मिक स्थान ते उहदे ते चोरी दे इल्जाम लगे सी। मैं नहीं कहना कि उन्हें चोरी नहीं की होगी, मैं भी नहीं कहना कि चोरी की होगी, ये इनवैसटीगेशन का पार्ट सी, उन्हूं जिहड़ा आ पुलिस के हवाले करना चाहिए सी बच्चे नूं, और फिर पुलिस जिहड़ी आ उह इनवैसटीगेशन करदी। अगर इनवैसटीगेशन दे विच उह बच्चा दोषी पाया जांदा सी ते माणयोग अदालत बेशक उहनूं फांसी ते लटका दिंदी, संविधान दे विच जिहड़ी भी सख्त तों सख्त सज़ा सी चोरी दी उसनूं देनी चाहीदी सी। पर उस भीड़ नूं, उहनां धार्मिक गुंडियां नूं जिन्हां ने उस बच्चे उत्ते जिहड़ा जानलेवा हमले करके उहदियां पहलां बाहां बन्नियां, लत्तां बन्नियां, फिर उहनां दे परिवारक मैंबर दसदे कि बच्चे दे गिट्टे तोड़ दित्ते गए, बाहां तोड़ दित्तियां, जिन्ना तक मरिया नहीं वह कुट दे गए।